अभी मैं बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का एक नंबर क्वेश्चन का तीन नंबर क्वेश्चन। यह तीन नंबर जो क्वेश्चन है यह क्या कह रहा है पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु O यहाँ पे यानी दो बिंदु दिया हुआ है। कह रहा है बिंदु O ए बी यानी यहाँ पर एक बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरा बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है -A, -B। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये जो दोनों बिंदु है इसके बीच के दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यानी कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति में इस दोनों बिंदुओं का बीच का जो दूरी है उसको ज्ञात कीजिए यानी बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे यानी कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ये जो दोनों बिंदु है इसको मानेंगे, मानेंगे एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु को मानेंगे ए है जिसका वैल्यू यहाँ पर A, B है। ये ए बिंदु जो है इसका वैल्यू जो है A, B है और दूसरा जो बिंदु है इसको मान लेंगे बी है जिसका वैल्यू ये वाला दूसरा जो बिंदु है ये हो जाएगा यानी -A, -B ये वैल्यू है बी बिंदु का। मान लेंगे इतना है और कहा है कि क्वेश्चन इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम मिला देंगे इस तरह तो यह एक रेखाखंड बनेगा। तो इसी रेखाखंड का दूरी निकालने के लिए कह रहा है यानी ए से बी तक के बीच में जो दूरी है उसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि बिंदुओं कौन बिंदुओं तो A, B तथा दूसरा बी बिंदु यानी -A, -B यानी माना कि बिंदुओं A तथा B है जिनके बीच के दूरी ज्ञात करना है, इतना लिख देंगे ठीक है। और लिखने के बाद इसका दूरी निकालना है तो पहले हमको क्या करना होगा ए बिंदु लेना होगा और इसको थोड़ा सा सजाना होगा। बिना सजाए हुए बन सकता है लेकिन सजा के बनाएंगे तो गलती होने का चांस जो है बहुत कम होगा, तो इसलिए ए लिख लेंगे और ए का जो वैल्यू है यानी ए बिंदु का जो वैल्यू है उसको इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बिंदु का वैल्यू है A, B लिख लेंगे और इससे क्या करेंगे X1 बनाएंगे और Y1 बनाएंगे। X1 का वैल्यू X वाला होता है, X की जगह पर जो होता है वो, तो X की जगह पर A है तो X1 का वैल्यू A हो जाएगा। उसके बाद Y1 का, तो Y1 का वैल्यू Y की जगह पर जो होता है वह होता है, यहाँ पर Y का वैल्यू B है तो Y1 का वैल्यू B हो जाएगा। तो A बिंदु से आ गया X1 का वैल्यू और Y1 का वैल्यू। अब क्या करेंगे B बिंदु से X2 और Y2 ज्ञात करेंगे। तो B बिंदु पहले लिखेंगे, B बिंदु यहाँ पर है, इसका वैल्यू है -A, -B इतना लिख लेंगे और इससे क्या करेंगे तो X2 ज्ञात करेंगे और Y2 ज्ञात करेंगे। तो X2 जो आएगा वह X के वैल्यू पर जो वैल्यू होगा वह, तो यहाँ पर X के जगह पर जो वैल्यू है -A है, -A लिख देंगे। उसके बाद Y2 का वैल्यू Y के जगह पर जो होता है वो लिखाता है, तो यहाँ पर Y के जगह पर है -B तो Y2 का वैल्यू हो जाएगा -B। तो इतना सजा लेंगे, उसके बाद दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से लिख देंगे और AB के बीच की दूरी निकालना है तो AB लिखेंगे और इसके बराबर जो दूरी सूत्र है उसको लिखेंगे। तो लिखा जाएगा इसके बराबर √X2 - X1² + Y2 - Y1² इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस पर वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर √X2 का वैल्यू यहाँ पर -A है, -A लिखेंगे -A फार्मूला वाला और X1 का वैल्यू A है तो A लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। उसके बाद Y2 का वैल्यू, तो Y2 का वैल्यू यहाँ पर -B है, -B लिख देंगे और ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ पर। उसके बाद Y1 का वैल्यू यहाँ पर B है तो B लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है इस पर, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पर AB लिखेंगे और बराबर √ यहाँ क्या करेंगे तो -A यहाँ पर भी है और -A यहाँ पर भी है, दोनों माइनस में है, तो दोनों जब माइनस में है तो यहाँ पर जोड़ का क्रिया होता है तो जोड़ देंगे दोनों का, तो ए गो ए और ए गो ए दोनों हो जाएगा 2A, तो 2A लिखा आएगा और दोनों माइनस में है इसलिए जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखेंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। उसके बाद यहाँ पर है -B और यहाँ पर भी -B है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे -B, -B दोनों हो जाएगा -2B जोड़ करके और जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखें, ये याद रहना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर √ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इतना लिख देंगे। प्लस का प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, यानी इसमें जितना भी गुना में रहता है सब पर स्क्वायर होगा जब होल स्क्वायर रहेगा तब, तो इतना कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें, तो आ गया एक तो 4A² और दूसरा आ गया 4B²
तो रूट के बाहर निकालने के प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, रूट अंडर लिखने के बाद यहाँ दोनों में जो है चार कॉमन है तो चार कॉमन करेंगे, तो चार जब कॉमन करेंगे तो चार से इस चार ए स्क्वायर में भाग करेंगे, तो चार से चार तो कट जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर लिख देंगे। प्लस छुपा रहता है उसको नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसमें से भी चार कॉमन करना है तो इस चार से इस चार बी स्क्वायर में भाग करेंगे, तो चार से तो कट जाएगा सिर्फ बचेगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखते हैं। अब जो है यहाँ पर ए बी लिखेंगे और यहाँ पर जो है चार और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है गुना में है, यानी ये एक भाग है और दूसरा ये भाग है, ये और ये वाला दोनों गुना में है, यहाँ पे गुना का रिलेशन है। जब वर्गमूल निकलने वाला रहता है तो निकल जाएगा, यहाँ चार का वर्गमूल निकल जाएगा, तो चार का वर्गमूल जो होता है दो होता है, तो रूट के बाहर दो लिखा आएगा। उसके बाद रूट अंडर, इसमें सिर्फ बचेगा ये वाला भाग, क्योंकि चार का जो वर्गमूल है दो निकल गया, तो इसका तो निकलेगा नहीं, इसी तरह इसको लिखेंगे रूट का अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंदर ही रह जाएगा, ये चार जो था इसके साथ गुना में वह बाहर निकल गया वर्गमूल के रूप में, यानी दो हो गया है। तो इसको यहाँ पर यानी लिख सकते हैं ए बी बराबर टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए से बी का जो दूरी है उसका दूरी का जो वैल्यू है यहाँ पर है टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हो गया ए बी के बीच की दूरी, यानी यहाँ ए से बी का जो बीच का दूरी है उसका जो वैल्यू है यहाँ पर ला दिए हैं टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख दिए हैं, यानी इतना ला दिए हैं। तो इस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।